तो नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूँ रॉकस्टार ड्यूड और आज की वीडियो है स्टोरी टाइम वाली। वैसे अपने चैनल में काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें स्टोरी टाइम वाली वीडियो देखना काफी पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मेरी स्कूल का एक इंसिडेंट सुनाया जाए कि कैसा मेरा एक दोस्त जॉनी गद्दार निकला। तो आज की स्टोरी है मेरे और मेरे बचपन के दोस्त जॉनी की। अब ऐसा क्या हुआ कि जॉनी गद्दार निकला? सो जॉनी और मैं क्लास LKG से दोस्त थे, हैं, और हम बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक साथ साथ पढ़े हैं। तो चलते हैं थोड़ा बचपन की तरफ। तो जॉनी डांस करने में काफी परफेक्ट था। उसे मेरा पिया घर आया ओ राम जी वाला गाना काफी पसंद था। उसे वो वाला गाना इतना पसंद था कि स्कूल में उसे स्पेशली लड़की की ड्रेस पहना के एनुअल फंक्शन में इस गाने पे डांस करने के लिए बुलाया जाता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए, मैं ही नहीं, क्लास के सभी लोग और टीचर्स भी उसके डांस के दीवाने थे और वो क्लास का सच में एक अच्छा एंटरटेनर था। खैर, जब वो फोर्थ क्लास में पहुंचा तो उसने डांस करना बंद कर दिया। आखिर करे भी क्यों ना, क्योंकि अब जॉनी बड़ा हो रहा था। इसलिए अब एनुअल फंक्शन में लड़कियों वाला डांस ना करके वो अब गाना गाना और कवाली वगैरह करने लग गया, जो कि उसके और हमारे लिए ठीक ही था। सो ऐसा करते करते हम क्लास 5th में पहुंच गए। तो एक बार इंटरवल के टाइम स्कूल की छत में खेलते खेलते मैं अचानक छत से नीचे गिर गया और मुझे सच में पता ही नहीं चला कि मैं नीचे कैसे गिर गया और मेरे सर से काफी ज्यादा खून आ रहा था। तो समय रहते मुझे रश्मि मैम क्लिनिक ले गई, जहां सर पे चोट इतनी ज्यादा थी कि सर पे 3 टाके तक लगाने पड़े। खैर, 2 वीक के बाद मैं लगभग ठीक हो गया और 5th क्लास के बाद हमें स्कूल चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये वाली स्कूल सिर्फ 5th क्लास तक थी। सो एज यू नो दैट मेरा एडमिशन विद्या मंदिर हो गया और यहाँ तक जॉनी ने भी वहीं एडमिशन ले लिया। सो क्लास 8th में जॉनी और मैं ऐसे ही बैठे हुए थे तो जॉनी ने मुझे कहा कि भाई मुझे कुछ कन्फेस करना है। मैंने कहा हाँ ठीक है बता। तो जॉनी बोला कि तुझे याद है ना जब हम 5th क्लास में थे तो तू अचानक छत से नीचे गिर गया था? तो मैंने कहा हाँ। तो जॉनी बोला कि भाई तू उस दिन गिरा नहीं था, वो एक्चुअली ना मैंने तुझे धक्का दे दिया था और शायद तेरे नीचे गिरते ही तेरे सर से इतना खून देखने के बाद मैं डर ही गया कि मैं कहीं टीचर्स से मार ना खाऊं, इसलिए मैंने उस समय कुछ नहीं बताया और वैसे भी तू शायद भूल गया होगा कि तू नीचे गिरा है। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं सच कहूं तो मुझे उस समय जॉनी को देख के इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं इसे यहीं पीट दूं। मैंने अपने आप को शांत करते हुए उससे कहा कि छोड़ना यार भाई, पुरानी बातें हैं और वैसे भी इस बात को करीब 3 साल हो चुके हैं। खैर, उसके ये कन्फेस करने के अगले दिन मैं स्कूल में 100 रुपए लेके आया था जो कि मेरे दादाजी ने मुझे दिए थे और मैं उस 100 रुपए से अपने लिए वीडियो गेम की कैसेट लेने वाला था। सो मैंने ये बात सिर्फ जॉनी को बताई थी क्योंकि हम दोनों क्लास में एक ही डेस्क शेयर करते थे। सो आफ्टर लंच जॉनी और अपनी ही क्लास का एक दूसरा लड़का जिसका नाम हिमांशु था ने मुझे एडवाइस दी कि भाई जो तेरे पास 100 रुपए का नोट है उसे अपनी जेब में मत रख, बल्कि तू इसे अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रख ले और हाँ, नोट पे पेंसिल से अपना सिग्नेचर भी कर ले ताकि वो खो ना जाए। और मैं मन ही मन सोच रहा था तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। तो उसकी मीठी सी और अजीब सी बातों में आके मैंने अपने प्यारे से 100 रुपए के नोट में पेंसिल से सिग्नेचर करके उसे अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रख दिया। सो मेरा बैग जिसके अंदर ज्योमेट्री बॉक्स था वो डेस्क में ऊपर रखा हुआ था। सो पता नहीं जॉनी को क्या हुआ, उसने मेरी गर्दन पकड़ी और अपने हाथों से उसने मुझे पकड़कर अचानक डेस्क के नीचे कर दिया। उसके हाथों को अपनी गर्दन से छुड़वाने के बाद मैं जैसे तैसे करके ऊपर आया और मैंने उसे गुस्से से कहा कि भाई पागल हो गया क्या तू? फिर जॉनी बोला अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। खैर, लास्ट पीरियड तक सब नॉर्मल लग रहा था और छुट्टी की बेल भी बजने वाली थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार अपना ज्योमेट्री बॉक्स चेक कर लिया जाए। तो जैसे ही मैंने अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोला तो पता चला कि मेरा वो 100 रुपए का नोट वहां से गायब हो गया था और मेरा सच में दिमाग खराब हो गया क्योंकि उस समय वो 100 रुपए मेरे लिए काफी कीमती थे। तो मैंने अपने क्लास टीचर से शिकायत कर दी कि सर मेरे ज्योमेट्री बॉक्स से किसी ने मेरे 100 रुपए चुरा लिए हैं। सो जो हमारा वो क्लास टीचर था वो मुझे बहुत अच्छा मानता था, इसलिए उन्होंने क्लास में अनाउंसमेंट कर दी कि कोई भी बच्चा छुट्टी के बाद घर नहीं जाएगा और सबकी चेकिंग होगी कि किसने आशीष के 100 रुपए चुराए हैं। मेरा शक अब हिमांशु की तरफ जा रहा था जिसने मुझे एडवाइस दी थी कि नोट पे अपना सिग्नेचर कर ले। तो मैंने सर को ये सिग्नेचर वाली बात बता दी और सर ने सबसे पहले उसकी ही तलाशी ली बट कुछ नहीं मिला। उसके बाद क्लास के सभी बच्चों की तलाशी ली गई बट मेरे प्यारे से 100 रुपए का कोई अता पता नहीं। सो जब सारी तलाशी कंप्लीट हो गई थी तो बाकी बच्चों को घर भेज दिया गया था और क्लास में केवल मैं और जॉनी ही बचे हुए थे। सो एज ए बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं और वो साथ साथ अपने घर निकल गए और पता ही नहीं चल पाया कि आखिर वो नोट किसने निकाला था। सो 8th क्लास कंप्लीट करने के बाद अब हम इंटर कॉलेज आ चुके थे। सो जॉनी और मैं यहाँ भी डेस्क शेयर करते थे। सो जब हम 11th क्लास में पहुंचे तो जॉनी मुझसे बोला भाई तुझे पता है जब हम 8th क्लास में थे तो तेरे एक बार 100 रुपए खो गए थे? मैंने कहा हाँ,
तो जॉनी बोला, तुझे पता वो 100 रुपए किसने निकाले थे? तो मैंने कहा, हिमांशु ने? तो वो बोला, नहीं। फिर मैंने कहा, फिर किसने निकाले? तो वो बोला, यार मैंने निकाले थे। वो उस दिन एक्चुअली मैंने ही तेरे 100 रुपए निकाले थे, क्योंकि उस दिन तूने सिर्फ मुझे ही बताया था कि तेरे पास 100 रुपए हैं। सो मुझे भी अपने वीडियो गेम के लिए अडेप्टर खरीदना था, इसलिए मैंने तेरे वो 100 रुपए के नोट को चुराने की प्लानिंग बनाई और हिमांशु को भी प्लान में शामिल कर लिया। और मेरा प्लान था कि तेरा वो नोट ज्योमेट्री बॉक्स में जाएगा तो उसे निकालना ईजी रहेगा। सो मैंने हिमांशु को बताया कि तू ये सब आशीष को बोलना। और जब तूने वो 100 रुपए अपने बॉक्स में डाल के अपने बैग में रख लिया, तो हिमांशु ने मुझे इशारा किया कि उसकी गर्दन नीचे कर देना, जिससे वो तेरे 100 रुपए को आसानी से निकाल पाए। और तेरे वो 100 रुपए निकालने के बाद हिमांशु ने मुझे उसे दे दिया और मैंने उसे चुपके से अपने सॉक्स के अंदर छुपा दिया। और मैं वैसे भी श्योर था कि तू मुझ पे शक तो करेगा नहीं। ये सुनते ही सच में मैंने कहा, साला इतने सालों से एक सांप को पाल रहा था अपने साथ, अबे कैसा दोस्त है यार तू, हर बात तुझे 3 साल बाद बतानी होती है। आई मीन 5th क्लास का छत वाला इंसिडेंट तू मुझे 8th क्लास में बता रहा है, और ये 8th क्लास का ये 100 रुपए वाला इंसिडेंट तू मुझे अब 11th क्लास में बता रहा है। साले। फट क्या करूं, गुस्सा ना के मुझे उस पे अब हंसी आ रही थी, क्योंकि वो बात ही 3 साल बाद बताया करता था। खैर उसके बाद 12th करने के बाद हम अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में कॉलेज में ग्रेजुएशन करने चले गए। और आज जब भी ये बातों का जिक्र होता है तो एक अलग ही आनंद आता है। लेकिन कुछ हो ना हो, पर ये साला जॉनी गद्दार तो था ही। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये स्टोरी टाइम पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और लगे हाथों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे यूट्यूबर की इंस्पायरिंग स्टोरी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अब दुनिया बचाने भी तो जाना है।